यह है नीलकंठ महादेव मंदिर भोले बाबा का, और यहाँ पर हमने जल चढ़ा चुके हैं जय। और कुछ भाई यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हैं और सभी को जय बोले की। आज जो हम जा रहे हैं हरिद्वार जा रहे हैं कांवर लेने, तो हमारी पैदल यात्रा रहेगी हरिद्वार से ढवारसी के लिए। साथ लगातार बने रहिए, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। चलते हैं आगे की तैयारी करने की ओर। और इस बोले कितनी देर लग रही है चलने में? बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ तैयार भैया तैयार हो चुके हैं, जो मैथ है वो आ रहे हैं, निकासी करेंगे बस। ठीक है ठीक, चलो भाई। और फाइनली हम आ गए हैं पूजा घर में पूजा करने। शिवल भाई की अब हम पूजा करवाएंगे, और शिवल भैया जी की दीदी आ गई है, ये आ गए हैं। यहाँ रुको, हाँ बर्तन में ले आओ। और ये हमारी माता रानी आ गई। क्या कहना चाहते हो? तो आप भी नहीं चल रहे, आप चलो हरिद्वार, पेपर है। तो ये अपना है महादेव मंदिर। बोलो तो भाई बोलो। अरे माचिस तो लिया, अरे नहीं
वाला बोल बोले की बोल बम इधर से मत आइयो ऐसे घूम कर प्रसाद चढ़ाओ ना कहाँ नहीं हम नहीं गए। ये हनी भोले हैं और कितनी बार आप पहले जा चुके हैं जरा बताइए। एक बार हमारे सैफी साहब का स्पेशल ध्यान रखा जाए जब तक हमारे ये अभिनव भोले हैं और पहली बार कांवर लेने जा रहे हैं। मुबारकबाद दो शुभकामनाएं मत दो वो सैफी सैफी पे सूट करता है ना थोड़ा सैफी साहब मुबारकबाद दो दिल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका हम और ये भाई अपने जय भोले की तो ठीक है। ये बताइए जरा कितनी बार जा चुके हैं भाई। भोले मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। अच्छा थोड़े पीछे करो पीछे कर रहे हैं तो चेहरा ना आने का ना एक तो तू वैसे काला उसमें और ज्यादा काला जाएगा तो कैसा रहा था पिछली बार का सफर जरा बताएं अनुभव बताएं। इस बार भी अच्छा ही रहने वाला है तो अभी ना भोले का जरा ध्यान रखना है गोरा पैदा कर दिया तू मैं इनके साथ ही रहा जाएगा। एवरेज एवरेज सेट कराओ गाड़ी तो नहीं है सीएनजी करवा ली है की गाड़ी पिकअप थोड़ा हल्का है एवरेज सही है फ्रेम पॉइंट तो 23 मॉडल इंजेक्ट करवा दिए तो मतलब ठीक होता है हमारी गाड़ी की गाड़ी का तेल बहाने को नहीं ये तो है अंधेरा हो जाता है अंधेरा बहुत है नहीं ये है भोले ये जो जिनके अरे राजू भाई कुछ बोलना चाहेंगे भोले के लिए थोड़ा तेज बोलो आवाज नहीं आ रही। भोलों के लिए यही सेवा करेंगे भंडारा लगाएंगे बढ़िया वाला। अच्छा अगले सीजन के यही भोले होंगे अगर भोले बाबा बुलाएंगे तो अगले बार को जरूर काम लेकर आएंगे। जय भोले की जय भोले पहले ही डालो एक बार पैसे वितरण हो रहे हैं यहाँ मुझे काम होता
तो मैं वीडियो बनाता। ये वीडियो बनाने का भी एक काम है, आर्ट है एक, समझे, हर किसी पे नहीं आती। ये नहीं, देखो भाई हमारे जबरा भोले की मम्मी। और जबरा भोले, तो हम तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो गई है, पूजा चलना बाकी बचा है, चलने वाले हैं थोड़ी देर में। भीड़ तो काफी ज्यादा है पर, लेकिन अंधेरे की वजह से चमक नहीं रही है। और ये हमारे ब्रजेश भोले, जय भोले की हमारे भोले जा रहे हैं, अगली बार हम भी जाएंगे, पेपर की वजह से रुक गए। अच्छा, इस बार नहीं गए ना, पेपर हमको बोर्ड के। अच्छा, मुझे लगा दोनों भाई जा रहे हो। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जबरा भोले हैं हमारे, हमारे ये काफी ज्यादा अंधेरा है ना इसमें से, हाँ दिख नहीं रहा। ये लवली भोले की मम्मी है। हेलो, ये लवली भोले हैं जो कामर लेने जा रहे हैं भैया। और कोई बचा है? हाँ, डाल दिया। और कोई बचा है? सबको पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। कामर ना जा रही, कामर ना जा रही, धन्यवाद ना। वो धोकर दोबारा लेके आएंगे ना, सिल भी जाएंगे, सिलाने वाली भी ले जा रही। ये मना कर रहे हैं, वहाँ सिलने मना कर रहे हैं सब। और ये है सुनित भोले, पैसे बट रहे हैं भैया। सभी कन्याएं अपने अपना प्रसाद लेती हुई पैसों का। इसे भी दो भाई। भैया पहली बार जा रहे हो? तीसरी बार। अच्छा, और कोई नहीं है? आओ भैया आओ। और मेरा मित्र हनी बोला आपके कई साल बाद जा रहा है, ये मेरा लंगोटिया यार है। और आप इस टाइम मंच पे आए लंगोटिया भोला, भबोला नहीं, भोला भोला भोले ने पी ली पेप्सी, मेरा यार हो गया टैक्सी। वाह वाह, बस बस बस। तो राहुल मैट मिल चुके हैं, तो इस बार आप क्यों नहीं जा पा रहे? किसी कारण बस नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बड़े भाई जा रहे हैं इस बार। अच्छा, तो हमारे जो गुरु हैं इनके ही आदे, उनसे सब हम सीखे हैं। हमारे सुमित भाई भी इस बार जा रहे हैं, पिछली बार नहीं जा पाए थे। और यो यो हनी सिंह, बम बोल वाले की, बोल वाले की, बोल वाले की। तब के नए नए बोले जो है, तब की नहीं, मजा नहीं आ रहा। जय भोले की। और हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ, और हमारा ट्रैक्टर आ चुका है पार्किंग जोन में। उड़ो रे, जय भोले की, जय भोले की। ये अपनी बहू को सूचित करते हुए भाभी को, ये भोलन को अपडेट दे रहा है, चाय पी रहा तो तब भी अपडेट दे रहा। बिल्कुल भोलन से एक एक मिनट की अपडेट पे बात चल रही है यहाँ पर। भोलन के बगैर इसका मन नहीं लग रहा, ये पहली बार अपनी भोलन को छोड़ गया अकेला बेचारा। और हमारे भोले भी उठे नहीं है, सो के बिकट सो रहे हैं। और हैवी ड्राइवर आ गया भाई। ओ हैवी ड्राइवर साहब, क्या हाल है? पूरा आनंद लिया है आगे का, पूरा बैठ की इन्होंने घेर रखा था। अच्छा, दो साल से प्लॉट कटवा रखे हैं तुमने, बुक कर रखे हैं पहले ही, बुकिंग जोन में है इनका मामला ये। और इस सुबह का है नजारा नीलकंठ का, सुबह सूर्यदेव निकलते हुए। और ये हमारे गणेश भाई, तो क्या हुआ गणेश? क्या ने कहा? चुप कैसा हो गया? कैमरा देखते था। हम चल चुके हैं नीलकंठ मंदिर की ओर, वहां जाके हम स्नान प्रस्नान करेंगे। तो हमारे साथ अभिनव भाई और नोनू और रक्षित भाई आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे, कुछ फोन में देख रहे हैं वो, और बाकी टीम कुछ आगे चली गई है, कुछ टीम पीछे आ रही है। तो आइए चलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर पर, पहुँचते हैं, सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं आपको। देखो कितना सुबह सुबह के यहाँ इतने बढ़िया नज़ारे हैं, बहुत मस्त एकदम, ठंडी ठंडी एकदम, अभी भीड़ भाड़ भी नहीं है इतनी, बहुत शांति का इलाका है एकदम। आप देखो, आप
आवाज देखे पक्षियों की, कोयल की आवाज, मजा आ रहा भाई, पूरा एकदम आनंद भरा है। ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ी। और ये देखिए नीचे के नजारे, यहाँ के खेत घर कुछ वहां पर हैं। पार्किंग जय बोलेगी। सही है, यही तो नहाएंगे भाई। पर हो रहा है स्नान। तो फिलहाल स्नान स्नान होने के बाद अब जा रहे हैं मंदिर की ओर। भैया जी भी नहा लिए, अक्षित भाई भी नहा लिए, अभिनव भी नहा लिया है, सब नहा लिए भाई। तो फाइनली मंदिर का प्रसाद लेके हम चल दिए हैं। ये प्रसाद है हमारा, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये मंदिर जाने का मार्ग है। आ जाओ, आ जाओ। हनी सिंह यो यो। अंदर फोटो खींचने वाला नहीं था।
है गाइस, अभी अभी हमारे साथ एक हादसा हो चुका है। अभी हमारा ट्रैक्टर जो पुलिस ने रोक लिया है उत्तराखंड की, वो कामर के लिए अलाउ नहीं कर रही है काम कि ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, तो भाई बड़ी दिक्कत हो रही है। इस टाइम हमारा ट्रैक्टर रुका पड़ा है और पुलिस वाले भी यहीं बैठे हुए हैं और कई जने बात कर रहे हैं उनसे। देखो क्या होता है, अभी चालान होता है या ऐसे ही छोड़ा जाता है। तो अभी ना भाई आपको क्या 1000 रुपये का चालान तो कटेगा। अच्छा देखिए, ये सामने पुलिस वाले हैं, इन्होंने ट्रैक्टर को रखा है हमारा, बड़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम, नहीं हो रहा है ट्रैक्टर खुला है। तो फिर नीलकंठ से हम वापसी आते हुए और हमारा ट्रैक्टर बड़ी स्पीड से चल रहा है और हमने यहाँ कुछ अच्छे कुछ खूबसूरत नज़ारे पहाड़ियों के वापसी में आते हुए बहुत प्यारे नज़ारे थे। यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी हुई थी जिसके हमें देखकर यहाँ पर गाड़ी आ रही थी, बहुत प्यारे यहाँ खूबसूरत बहुत अच्छे नज़ारे हैं।
सारे ब्लॉगर, शूल ब्लॉगर खुशिया, मुदित भाई ड्राइवर हमारे, ये प्रेमी पंछी जाते हुए मस्त गगन में।